हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज राजू भाई सिखाएंगे हमें पाव भाजी बनाना घर पे। राजू भाई जो पाव भाजी बनाते हैं काफी यूनिक तरीकों से बनाते हैं। पाव भाजी में क्या है कि भाजी मेन रहेगा, पाव आपको इजीली मिल जाता है मार्केट से रेडीमेड। सिर्फ हम क्या करेंगे, पाव को बटर में सेकेंगे। तो राजू भाई कैसे बनाएंगे आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगा पाव भाजी, और बिल्कुल रेस्टोरेंट और बिल्कुल मार्केट से बहुत अच्छा पाव भाजी बनाएंगे। और चलते हैं किचन की तरफ और आपको रेसिपी बनाकर मैं दिखाते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं हम राजू भाई की कलाकारी पाव भाजी में। तो फ्रेंड्स, पहले हम पाव भाजी के लिए भाजी को तैयार करेंगे। तो भाजी के लिए हमने दो कटे हुए टमाटर ले लिए हैं, दो कटे हुए हैं प्याज, ये वाला प्याज सलाद के लिए रहेगा। और उसके बाद ये कुछ है सब्जियां, एक हमने कटा हुआ गाजर ले लिया है, एक हमने कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, थोड़े से हैं मटर, कुछ हैं बीन्स, इसका थोड़े से फूल गोभी हैं देख सकते हो। और इसके बाद ये कुछ है मसाले, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, हल्दी लिया है, उसके बाद लाल मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, पाव भाजी का मसाला है और एक दालचीनी है देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये उबले हुए तीन बड़े हमने आलू लिया है जो कि हमने उबाल लिया है, थोड़ा सा धनिया है कटा हुआ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है देख सकते हो। और इसके बाद ये हमने पाव ले लिया है जो कि आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगा रेडीमेड। और एक हमने छोटा सा बटर ले लिया है, इस बटर से हम पाव को सेकेंगे बाद में। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं किचन की तरफ और पहले हम भाजी को तैयार करते हैं। तो गैस को हम ऑन कर लेंगे और एक बड़ा सा कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे देख सकते हो। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देना है, गर्म होने के बाद आपको इसमें कटा हुआ प्याज डालना है जो हमने लिया था, प्याज को इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे देख सकते हो, हल्का सा कलर जब इसमें चेंज हो जाए, ये देख सकते हो। चेंज होने के बाद इसमें आपको कटे हुए टमाटर डाल देना जो हमने काटा था, इसको भी आपको डाल देना है। और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, ये आप देख सकते हो, और एक से दो मिनट आपको इस तरह से पकाना है। इसके बाद आपको दो चम्मच अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद इसको आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, ये आप देख सकते हो, इस तरह से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा पकने दीजिए। और इसके बाद कटे हुए जो वेजिटेबल थे सब्जियाँ वो आपको एक एक करके डाल देना है। जैसे पहले बीन्स डाल देता हूँ, उसके बाद गोभी, ये आप देख सकते हो, गोभी डालने के बाद इसको आपको फिर आपको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, इस तरह से अच्छे से इसको आपको मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको आपको इसको थोड़ा सा पकने देना है देख सकते हो, मिक्स कर दे इसको आपको इस तरह से पकने दीजिए। पकने देने के बाद आपको जो कटा हुआ गाजर है वो गाजर आपको डाल देना है, जो हमने मटर लिए थे मटर आपको डाल देना है इस तरह से देख सकते हो। और ये जो शिमला मिर्च था ये भी हम डाल देते हैं, सारी सब्जियाँ डाल देंगे देख सकते हो। और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है देख लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। तो मसाले में पहले हम नमक डाल देते हैं जो हमने लिया था, इसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे देख सकते हो आप, उसके बाद हल्दी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, इसके बाद ये गरम मसाला है, ये पाव भाजी का मसाला है, ये भी हम डाल देते हैं, इसके बाद पिसा हुआ धनिया है, ये भी हम डाल देते हैं, दालचीनी है। सारे मसाले डालने के बाद इसको आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है, ये देख लीजिए, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर दिए, थोड़ा सा पकने दीजिए। जब इसमें ऐसा कलर आ जाए ये देख सकते हो, थोड़ा सा में पानी डालेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ये आप देख सकते हो। फिर आपको हल्का से इसको पकने देना है, ये देख सकते हो। तो दो से चार मिनट इसको आप पकने दीजिए, जब इसमें इस तरह से उबाल आ जाए देख सकते हो कलर कितना बढ़िया इसमें आ गया है। तो जैसे ही उबाल आ जाए इसको आपको अच्छे से चला देना है देख सकते हो, इसको अच्छे से चला देंगे। और इसके बाद जो हमने उबले हुए आलू लिए थे वो आप उबले हुए आलू इसमें आपको डाल देने हैं देख सकते हो, उबले वाले हमने डाल दिए। डालने के बाद इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, ये देख सकते हो, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। इसका थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, पानी डालने के बाद इसको आपको अच्छे से चला देना है। उसके बाद इसको हम दो से चार मिनट फिर इसको पकने देंगे। तो इसमें हम ढक्कन डाल देते हैं देख सकते हो, दो तीन मिनट इसको फिर आपको हटाना है जब इसमें इस तरह से उबाल आ जाए देख सकते हो। फिर आपको इसको अच्छे से चलाना है, मैं इसको अच्छे से चला देता हूँ। चलाने के बाद इसको फिर आपको इसको मिक्स करना है, मैश करना है। तो आप इस तरह से इसको मैश कर दीजिए ताकि जो भाजी है प्रॉपर मिक्स हो जाए और खाने में बढ़िया लगे, इस तरह से देख सकते हो प्रॉपर ये मिक्स हो गया है। इसके बाद आपको इसको कस्तूरी मेथी इसमें हम डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालने का कटा हुआ हमने धनिया लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा भाजी है रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, एक से दो मिनट आपको और इसको पकाना है देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा जो भाजी है रेडी हो चुका है देख सकते हो, तो एक दो मिनट पकने देना है। तो देख सकते हो दोस्तों भाजी जो हमारा है रेडी हो चुका है। चलिए भाजी को हटाते हैं और हम बटर से उस पाव को सेकते हैं जो हमने पाव लिया था। तो बटर इसमें हम डाल देंगे, बटर को आपको इस तरह से पूरा फैला देना है,
इसके बाद जो भी आपने पाव लिया था एक एक करके इसमें आप डालिए। डालने के बाद इसको आपको अच्छे से हल्की आंच पे सेकना ताकि जले नहीं, ये देख सकते हो। तो दोनों तरफ से इसको आप सेक लीजिए इस तरह से। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ है रेडी। तो चलिए इसको निकालते हैं प्लेट में और इसको हम जाते हैं टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा पाव भाजी आ चुका है प्लेट में और इसको हम टेस्ट करेंगे। ये राजू भाई ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, देख सकते हो। और फ्रेंड्स इस तरह का पाव भाजी बना के जो आप खाओगे तो होटल रेस्टोरेंट का पाव भाजी खाना भूल जाओगे। और दोस्तों आप भी इस तरह का पाव भाजी घर पर बनाना और प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों ने कैसा बनाया और आपको टेस्ट कैसा आया।